अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असगर अली और आज हम क्लास नाइन्थ की मैथ का यूनिट नंबर वन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इंतहाई अहम सवाल है वो हल करेंगे। लेकिन सवाल को हल करने से पहले अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज का जो सवाल है ये ज़रूर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हल कीजिएगा। ये पेपर के नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम सवाल है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, एट इफ ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1 और बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0, तो देन वेरीफाई दैट। तो साबित, तो फिर साबित करें, साबित कीजिए, साबित कीजिए। पार्ट वन है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स हम दोनों लेफ्ट और राइट साइड को इकट्ठा हल करेंगे। लेफ्ट साइड में हम ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज लेंगे और राइट साइड पे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो आइए सवाल को हल करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में जो है ए हमारे पास है 1 2 0 1, पहले प्लस करते हैं, प्लस बी हमारे पास है 1 1 2 0 और सारे का ट्रांसपोज, ये लेफ्ट साइड है हमारे पास। तो इज इक्वल टू ए है हमारे पास 1 2 0 1 और ऊपर क्या है, इसके ऊपर ट्रांसपोज की साइन लगानी है, प्लस बी है हमारे पास तो बी के ऊपर ट्रांसपोज की साइन लगानी है। तो बी है 1 1 2 0, तो यहां पे ट्रांसपोज की साइन। तो स्टूडेंट्स हम इसकी दोनों साइड इकट्ठी हल करेंगे। तो पहला स्टेप क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे हम ए और बी को प्लस करते हैं और इसके मुतनादर का को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0 और ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब राइट साइड पे क्या करना है कि पहले हमने इन दोनों का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या कॉलम को रोज में आपने तब्दील कर देना है। अगर हमारे पास ये फर्स्ट रो 1 2 फर्स्ट रो है तो इसका हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया प्लस सेम मैट्रिक्स बी का भी ट्रांसपोज देंगे। फर्स्ट जो रो है 1 1 है, इसका फर्स्ट कॉलम 1 1 बना देंगे, सेकंड रो है 2 0, इसका सेकंड कॉलम 2 0 बना देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों तरफ एक एक स्टेप हल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसको हल करेंगे 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1 और ट्रांसपोज आएगा इसका। तो स्टूडेंट राइट साइड पे हम इन दो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करते हैं 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0। तो लेफ्ट साइड पे इसका ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट रो है 2 3, इसका फर्स्ट कॉलम बनाते हैं 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 3, सेकंड रो 2 1 को सेकंड कॉलम 2 1 इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2
टू प्लस वन थ्री, वन प्लस जीरो वन। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल है, तो इसका मतलब है वेरीफाई हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 हल कर दिया है।